तो BSNL मौके का फायदा उठाते हुए जिस तरीके की जबरदस्त एंट्री मार्केट में मार रहा है, उसने जियो, एयरटेल और VI इन तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की नींद उड़ाकर रख दिया है। क्योंकि जब से एयरटेल, जियो और VI ने अपने रिचार्ज के प्लान को महंगा किया है, तब से एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने सिम को BSNL में पोर्ट करना शुरू कर दिया है। और हाल ही में यह खबर चर्चा में बनी हुई है कि BSNL कुछ ऐसे प्लान की तैयारी कर चुका है जिससे एयरटेल, जियो और VI जैसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की छुट्टी होने वाली है। यानी कि इन तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों का अचानक से अपने प्रीपेड और पोस्टपेड टैरिफ प्लान इतना ज्यादा महंगा करना इन पर कितना भारी पड़ सकता है, इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि एक तरफ जहां भारत की गरीब जनता पहले ही महंगाई की मार झेल रही है, वहीं जिस इंटरनेट पर दुनिया की जनता पूरी तरह से निर्भर हो चुकी है, उसके रिचार्ज को अचानक से महंगा कर देना आम जनता को परेशान कर चुका है। और वह भी महंगाई थोड़ी बहुत नहीं, बल्कि ऐसी महंगाई जिसने इंटरनेट यूजर को हिलाकर रख दिया है। आखिर BSNL कौन सी रणनीति अपनाकर इन तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को औकात दिखाने जा रहा है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन जो BSNL अभी तक चुप बैठा था, वह मार्केट में जबरदस्त एंट्री मार रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकेंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल एक समय था जब कहा जाता था कि BSNL के कर्मचारी ग्राहकों से सीधे मुंह तक बात नहीं करते, लेकिन समय ने पलटा खाया और BSNL अब तेजी के साथ पॉपुलर होना शुरू हो चुका है। क्योंकि चारों तरफ जहां देखो हर कोई अब BSNL की ही बातें कर रहा है, और BSNL के कर्मचारियों को अब यह लगने लगा कि उन्हें एयरटेल, जियो और VI के ग्राहकों को खुद की कस्टमर में बदलने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। इसलिए BSNL के कर्मचारियों को एक नई ऊर्जा मिल रही है और BSNL के कर्मचारी भी नए प्लान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो BSNL ने हाल ही में जो घोषणा की है, उसने सबको हैरान करके रख दिया है। आपको बता दें कि आज तक जिस BSNL को कहा जाता था कि आज ढंग से 4G नेटवर्क तक प्रोवाइड नहीं कर पाता, यही BSNL अब पावर में आ चुका है। क्योंकि हाल ही में BSNL की तरफ से रिसेंटली 10,000 4G टावर को इंस्टॉल किया जा चुका है, और अब जल्द ही BSNL की तरफ से 4G सेवा प्रोवाइड करने की नई सुविधा लॉन्च करने जा रहा है। और इसके प्लान इतने ज्यादा सस्ते हैं कि इंटरनेट की हाई स्पीड को हर कोई आसानी से अफोर्ड कर सकता है। यहां तक कि देखा जाए तो अप्रैल के महीने तक 2,000-3,000 या फिर मुश्किल से 3,500 तक ही इस कंपनी के 4G टावर मौजूद थे। लेकिन जब BSNL को रिलाइज हुआ कि जल्द ही एयरटेल, जियो और VI ये तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को 20-25% तक महंगा करने जा रही है, तो BSNL पावर में आ गया और अपने टावर को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां किसी को खबर भी नहीं थी कि BSNL इतनी तेजी के साथ मार्केट में आने की तैयारी बना रहा है। और जैसे ही तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने अपने प्लान की कीमत महंगी की, वैसे ही अचानक से BSNL अपने टावर की संख्या को बढ़ाकर 10,000 4G टावर को एक्टिव कर दिया। BSNL यहां पर भी रुकने वाला नहीं है और BSNL जल्द ही हजारों की संख्या में और भी 4G टावर को इंस्टॉल करने जा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन टॉवर्स में वह कैपेबिलिटी डाली गई है जिससे इन टॉवर्स को आसानी से अपग्रेड करके 5G टॉवर्स बनाया जा सकता है। और BSNL का प्लान है कि 2025 में इन्हें 5G टॉवर में अपग्रेड कर दिया जाएगा। यानी कि देखा जाए तो अब एयरटेल, जियो और VI को उसकी औकात दिखाने के लिए BSNL कमर कस चुका है। फिलहाल आपको बता दें कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जियो, एयरटेल और VI तीन ही ऐसी कंपनियां हैं जो इस समय अपना राज चला रही हैं, और इसमें से भी सबसे ज्यादा यूजर जियो के हैं। और इस बार इन तीनों कंपनियों ने मिलकर अपने प्लान को अचानक से इतना ज्यादा महंगा कर दिया है कि जो इसके कस्टमर है वह पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। और इस समय ट्विटर पर बायकॉट जियो ट्रेंड करने लगा है, यानी कि लोग किस तरह से जियो को लेकर गुस्सा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं।
और लोगों में इस तरह से गुस्सा छाया हुआ है कि जियो का जो अभी राज चल रहा है वहां जल्द ही BSNL का राज आने वाला है। देखिए, लोगों में इस बात का गुस्सा है कि जब जियो आया था तो उस समय भारत के कोने कोने में इंटरनेट नहीं फैला था, ये असलियत है। क्योंकि जियो ने ही सस्ता डेटा बेचकर भारत के कोने कोने में इंटरनेट पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस समय जियो की यह मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, लोगों को यह पता था कि आगे चलकर जियो इंटरनेट का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन इतना बढ़ जाएगा इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और पिछले 10 सालों में जियो ने जितना डाला है मार्केट में, उससे डबल या ट्रिपल निकालने के लिए मूड में आ गया है, जिसके पीछे वह हाथ धोकर जुट चुका है। और जियो के प्लान ऐसे टाइम पर महंगे किए गए हैं जिस समय भारत के जो नौजवान हैं वह पूरी तरह इंटरनेट पर डिपेंड हो चुके हैं। यानी कि देखा जाए तो इस तरीके से पहले गुलाम बनाया गया, उसके बाद पूरी तिजोरी खाली करने का प्लान बना चुका है। और इसी बात को लेकर इंटरनेट यूजर की मन में गुस्सा छाया हुआ है, और खासकर भारत के युवाओं को। और इसी बीच BSNL इन लोगों को अपनी तरफ खींचने का पर्टिकुलर मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है, और BSNL अपने सोशल अकाउंट्स पर लगातार नए नए ऑफर जारी कर रहा है। और हाल ही में सबसे बड़ा ऑफर जो निकल कर आया है वह है इनका ईयरली प्लान, क्योंकि मात्र 1515 रुपए में यह साल भर के लिए अनलिमिटेड कॉल और इंटरनेट डाटा ऑफर कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि आज के समय में इतना सस्ता इंटरनेट कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है। जहां BSNL के लिए इससे बड़ा बूस्ट और क्या हो सकता है, यानी कि वह समय जल्द ही आने वाला है जब एक लार्ज अमाउंट में इंटरनेट यूजर अपने सिम को BSNL में पोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। और कई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे यह यकीन हो गया है कि BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड दोबारा से पहले की तरह खड़ा हो सकता है। देखिए, BSNL साल 2010 तक अपने आप में किंग था और BSNL के सबसे ज्यादा यूजर थे, क्योंकि BSNL से अच्छा नेटवर्क कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसी बीच में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी निजी टेलीकॉम कंपनियों ने मार्केट में प्रवेश किया, और इन कंपनियों ने कम कीमतों पर बेटर सर्विस प्रोवाइड करने की शुरुआत की, जिसके कारण धीरे धीरे BSNL के यूजर्स की संख्या में कमी आई। फिलहाल BSNL के यूजर्स की संख्या भले ही धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना ही बड़ा है। और आपको बता दें कि BSNL ही एक ऐसी कंपनी है जिसका इंटरनेट गांव और कस्बे वाले रूरल एरिया में आज भी चलता है। और आज के समय भी अमरनाथ जैसे तीर्थ स्थलों की जो यात्रा करने जाते हैं उन्हें BSNL का सिम लेना ही पड़ता है, क्योंकि वहां पर एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों के नेटवर्क उपलब्ध ही नहीं है। क्योंकि जियो, एयरटेल और VI जैसी कंपनियों को तो ग्राहकों से मोटा पैसा कमाना था, और पैसा वहां से मिलेगा जिसके पास ज्यादा पैसा होगा। इसलिए ये जो बड़ी बड़ी टेलीकम्युनिकेशंस कंपनियां हैं उन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट किया शहरों में अपने इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए। और इन्होंने छोटे छोटे कस्बे और गांव को टारगेट नहीं किया, लेकिन BSNL अब वही करने जा रहा है जो एयरटेल जियो नहीं कर पा रही है, और बेहतर स्पीड के साथ सस्ता इंटरनेट भी प्रोवाइड करने जा रहा है, जिससे भारत सरकार द्वारा संचालित इस कंपनी BSNL में अब लाखों लोग अपने सिम को पोर्ट कराने जा रहे हैं। बाकी आप लोगों में से कितने लोगों ने BSNL में अपने सिम को पोर्ट कराया, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि आगे चलकर BSNL में अपने सिम को पोर्ट कराने वाले हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें, ताकि यह जानकारी पूरे भारत में फैल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।